हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइडर्स। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, अगर वो आपने पूरी तरीके से समझ लिया तो आई थिंक आपको रिच बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेन पर्पस जो हर एक इंडिविजुअल का होता है वो होता है पैसा कमाना अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब हम एक्सपेंस करते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि हमें फ्यूचर के लिए भी बचा के अभी से चलना होगा, अदरवाइज़ फ्यूचर में हमारी कैपेबिलिटी या हमारी जॉब दोनों ही ना रहेंगे तो उस केस में हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों से डिस्कस करूँगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस कैलकुलेशन के बेस पे सेविंग करने के लिए करना स्टार्ट करें, एमरजेंसी फंड रखना स्टार्ट करें और आप देखिए कैसे वो आपकी हैबिट बन जाती है और उस हैबिट से आप कितनी बड़ी वेल्थ फ्यूचर में जनरेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अपनी पहली स्लाइड। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग अपनी लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हमने रिटर्न्स को कंपेयर किया था। नवरात्रि स्पेशल की बाकी 5 वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है। आप ये सारी वीडियोस नवरात्रि स्पेशल की देखिए और आपको बड़ा मज़ा आएगा, और अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आई थिंक आपको कोई भी नहीं रोक सकता अमीर बनने से। तो आइए रिकैप करते हैं अपने पार्ट 5 को। तो पार्ट 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 स्कीम हैं, इन तीनों स्कीम को हम कंपेयर करके देखते हैं कि रिटर्न्स कितने वेरी करते हैं। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ये था कि हम लोग SIP तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एनुअल बेसिस पे उसको रिव्यू नहीं करते बेंचमार्क के साथ और बाकी स्कीम्स के साथ। अगर हम वो रिव्यू करें और अगर हमारी स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है तो हमें SIP दूसरी स्कीम में स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि 2 या 3% का जो एनुअल डिफरेंस होगा उस स्कीम की रिटर्न में, उससे आपकी वेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। आइए देखते हैं कैसे। आपने SIP तीनों स्कीम में 10,000 की रखी है, रेट ऑफ रिटर्न वेरी कर रहा है, पहली स्कीम में 15%, दूसरी स्कीम में 18%, तीसरी स्कीम में 20%, पीरियड तीनों स्कीम में सेम है 30 ईयर्स का, इन्वेस्टमेंट भी सेम है 36 लाख का, फ्यूचर वैल्यू वेरी कर जाएगी। अगर मैं स्कीम 1 में SIP करके छोड़ देता हूँ और भूल जाता हूँ तो मेरे को 7 करोड़ का फंड मिलेगा। अगर मैं थोड़ा विजिलेंट हूँ और स्कीम को स्विच कर रहा हूँ हर साल तो मुझे 3% का एप्रिसिएशन मिल रहा है, यानी 15 से 18% का मेरे को रिटर्न आ रहा है, तो उस केस में मेरा फंड वैल्यू होगा 14 करोड़ का। और अगर मैं और ज़्यादा विजिलेंट हूँ, थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं 20% वाली SIP में स्विच करता हूँ तो मेरा जो फंड वैल्यू होगी वो 23 करोड़ होगी। सो फ्रेंड, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप पैसा सेव कर सकते हैं। ये मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में भूल जाते हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से फ्यूचर में जो हमारी सेविंग होनी है या वेल्थ जनरेट होनी है वो नहीं हो पाती है। ख़ास तौर से मैं यंगस्टर्स को बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम इस पर स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसे कैसे सेव हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा दादा तो इन चीज़ों को फॉलो करते थे लेकिन शायद आज की जनरेशन उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने ऊपर ज़्यादा डेट नहीं रखना है, यानी ज़्यादा लोन आपको नहीं लेने हैं। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन, मोबाइल लोन भी ले रहे हैं आजकल लोग, अप्लाइंसेस लोन भी ले रहे हैं, तो आपको नहीं रखने हैं इतने लोन। आपके पास जब पैसा हो जब ही आपको चीज़ें खरीदनी है। सबसे ज़रूरी है आपको एक बजट क्रिएट करना है, यानी मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आने से पहले आप एक बजट क्रिएट करिए कि मेरे को इस सैलरी में से कितना सेव करना है, कितना इमरजेंसी फंड में रखना है और जो बचा उसी से मुझे अपना खर्चा निकालना है, और जो सेविंग मैंने कही है उस सेविंग को मेरे को SIP में इन्वेस्ट करना है। ये मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा डिटेल में। आपको अपना बजट क्रिएट करना है और अपने एक्सपेंसेस को उस बजट के हिसाब से ट्रैक भी करना है। अगर आपने लोन लिए हुए हैं, अभी आपके पास कोई लोन चल रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जिस पे आप हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं तो पहले आप उसे वो पे ऑफ कीजिए। यानी अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बाकी लोन के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है, तो पहले आप क्रेडिट कार्ड को अपने पे ऑफ कीजिए। आपको अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत वाइजली यूज़ करना है, क्योंकि जब हमें लिमिट मिली हुई होती है 1 लाख की 2 लाख की और हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि हमारी सैलरी कितनी है और हम लोग उस समय ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, उसका परसेंटेज क्या है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन आइडली आपको अपने टोटल एक्सपेंस का 6 मंथ का एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास बैकअप होना चाहिए, और 1 साल का अगर बैकअप है तो बहुत अच्छा है वो उस केस में। तो अगर आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है या कोई एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो उसे आपको वाइजली यूज़ करना है, उसको आपको स्पेंड नहीं करना है।
अगर आपका कोई ऑटो सब्सक्रिप्शन चल रहा है नेटफ्लिक्स का या किसी और भी एंटरटेनमेंट का या कोई मेंबरशिप आपकी चल रही है तो आपको उसको डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपकी सेविंग हो सकती है। आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि मिसयूज हो रहा है तो उसे आप कम कर सकते हैं। अभी आज के टाइम में स्विगी और जोमेटो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, तो लोग घर से ऑर्डर कर रहे हैं। क्वालिटी का तो बहुत बड़ा इशू है बॉस, क्योंकि मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं रेस्टोरेंट, आप उसको नहीं ट्रैक कर सकते। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप उसको उस पर पैसा कम खर्च करें और घर में खाना बना के खाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे उस कैलकुलेशन को कि हम कैसे पैसा सेव कर सकते हैं और उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP में, और कैसे एक वेल्थ जनरेट हो जाएगी हमारे लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, आपको पता है कि मैं टेबल के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, तो मुझे कनेक्ट करना थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ पे मैंने बजट दिखाया है पर्सन ए का, पर्सन बी का और पर्सन सी का। यहाँ पे इनकम भी उन सब तीनों इंडिविजुअल्स की डिफ़र कर रही है। पर्सन ए की 1 लाख की मंथली इनकम आती है, पर्सन बी की 1.5 लाख की मंथली इनकम आती है, और पर्सन सी की 2 लाख की मंथली इनकम आती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से हम 20% सेविंग में डालेंगे सबसे पहले, यानी पर्सन ए 20,000 सेव करेंगे, पर्सन बी 30,000 और पर्सन सी 40,000 सेव करेंगे। अब जो बैलेंस बचता है उसमें से हम 30% एमरजेंसी फंड के लिए निकाल लेंगे अलग से, यानी इसको आप अपने सेविंग में भी रख सकते हैं और FD भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम पर्सन ए ने 24,000 निकाले हैं, पर्सन बी ने 36,000 रुपये निकाले हैं, पर्सन सी ने 48,000 रुपये निकाले हैं। तो जो भी बचता है वो आप फ्री हैं एक्सपेंस करने के लिए। उसमें आप अपना रेंट दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, बच्चों की स्कूल फीस दीजिए, आप एंजॉय करें, बाहर जाएं, खाना पीना खाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, घूमने जाएं, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं आप। तो पर्सन ए के पास एक्सपेंस के लिए बचे हैं 1 लाख की इनकम में से 56,000 रुपये, पर्सन बी के पास बचे हैं 1.5 लाख में से 84,000, और पर्सन सी के पास बचे हैं 2 लाख में से 1,12,000। तो उसमें वो अपना एक्सपेंस मंथली एक्सपेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेविंग की। तो जितनी भी उन्होंने सेविंग करी है उसे हम SIP में इन्वेस्ट करेंगे, यानी पर्सन ए 20,000, पर्सन बी 30,000 और पर्सन सी 40,000 इन्वेस्ट करेंगे। पीरियड तीनों का सेम रहेगा 30 साल, रिटर्न भी तीनों की सेम है 20%। तो उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थोड़ी डिफर कर जाएगी क्योंकि सेविंग्स भी डिफर कर रही हैं। तो पर्सन ए 72 लाख इन्वेस्ट करेंगे, पर्सन बी 1 करोड़ 8 लाख इन्वेस्ट करेंगे, पर्सन सी 1 करोड़ 44 लाख इन्वेस्ट करेंगे। तो इनकी फ्यूचर वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद, पर्सन ए की होगी 46 करोड़, पर्सन बी की होगी 70 करोड़ और पर्सन सी की होगी 93 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक 20% के फॉर्मूले के साथ अपनी मंथली इनकम में से 20% सेव करके SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे एक बड़ी वेल्थ अगले 3 साल में क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आपका एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 30% का। अगर आप उसे FD कराते हैं या सेविंग में भी रखते हैं तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी वो भी एक आपकी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है। साथ में अगर आपका कोई भी इमरजेंसी आती है आपके पास तो आपको इमिजिएटली SIP को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से मार्केट में से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उस इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल में हम लोगों ने 6 वीडियो अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। 6 की 6 वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोज़ का। इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, इनको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टफ होता है मैं मानता हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर आपके पास एक वेल्थ जनरेट हो जाती है तो आपको भी रिटायरमेंट के टाइम पे कोई इशू नहीं आएगा। साथ में जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी और वो भी वही लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे जो आप जिसके थ्रू आपने इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट करी है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आप मेरे को पिंग कर सकते हैं और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।